स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 5। ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। तो ये एक स्क्वायर गार्डन दिया गया है ए बी सी डी, और उस गार्डन की ऑल साइड दी है 30 मीटर। तो ये सारी साइड कितनी है 30 मीटर, और उसके अंदर की तरफ, ये जो अंदर की तरफ है, एक रास्ता बनाया गया है जो 1 मीटर वाइड है। तो पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पाथ। तो पहले हम इस जगह को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले EF की लेंथ निकालेंगे। ये कितनी है, टोटल लेंथ है 30, तो यहाँ तक ये कितना वाइड है 1 मीटर, और इस साइड भी कितना वाइड है 1 मीटर। तो 30 में इस दोनों का 1 को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 30 - 1 - 1 = 28 मीटर। ऐसे EH को करेंगे, EH की वैल्यू कितनी है, ये भी लेंथ है इसकी 30, तो ये कितनी हो जाएगी 30 में इस 1 मीटर को और इस 1 मीटर को माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 30 - 1 - 1 = 28 मीटर। आगे एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पाथ, तो ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ABCD, गार्डन का ये एरिया है ABCD, और उसके अंदर का एरिया एरिया ऑफ EFGH, जो अंदर एक पाथ बना है उसका एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने पोर्शन का एरिया। तो इसको लिखेंगे, तो एरिया किसके इक्वल है ABCD का, तो ये है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, तो ये आ जाएगा साइड इनटू साइड, इसको भी लिखेंगे साइड इनटू साइड। तो ये आ गया हमारे पास 30 × 30 - 28 × 28, तो ये बन जाएगा 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया 900, और 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 784। अब 900 में से 784 माइनस करेंगे तो ये आ गया 10 में 4 निकाले 6, 9 में 8 निकाले 1, और यहाँ पे 8 में से 7 निकाले 1, तो आंसर आ गया 116 मीटर स्क्वायर। आगे हम कॉस्ट को निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पे ग्रास को लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो एरिया निकला है वो इनटू 40। तो एरिया हमारे पास कितना निकला है, तो एरिया जो गार्डन का है वो निकला हमारे पास 784 × 40। तो 784 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 4 × 4 = 60, 4 × 8 = 32, 33, 4 × 7 = 28, 28 में 3 ऐड किए 31, तो आंसर आ गया हमारे पास 3360